मायसेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में सिक्स क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलकर उसे निम्नतम रूप में लिखिए। तो हम कोई, इसमें 5 पार्ट हैं, तो कोई हम 3 पार्ट आपको बता देते हैं। पहला और दूसरा तो काफी आसान है, तीसरा और चौथा। तो थर्ड पार्ट है इसका 0.02 और थर्ड पार्ट है इसका 0.075। इनको पहले भिन्न में बदलना है और भिन्न में बदलकर इनको निम्नतम रूप में लिखना है। तो भिन्न में बदलने के लिए पहले हमने संख्या फिर से लिख दी 0.02 और अंडरलाइन किया। दशमलव के ठीक नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के नीचे जितने अंक हैं उतने 0 लिखेंगे। तो 1-2 अंक हैं, तो इसलिए 1 और 2 0 लगा दिए। अब ये दशमलव हट गया या बेकार हो गया। तो संख्या हमारे पास क्या हो गई, 2/100। 2 से भाग दोनों में चला जाता है, इसलिए 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 50 तो बराबर हो गया 1/50 और ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है 0.075। हमने 0 को नहीं लिखा और अब इसमें भी इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन के बाद दशमलव के ठीक नीचे 1 लिखेंगे और जितने दशमलव के नीचे अंक हैं उतने ही 0 इसमें लगा देंगे। दशमलव अब हट जाएगा और ये 0 भी बेकार हो गया, यानी आपको मिला 75/1000। 75 और 1000 दोनों 25 से कट जाते हैं, तो 25 × 75 और 25 × 100 बराबर 3/40, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है 0.125। इसको बदलना है तो पहले इस 0 को हटाइए, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, इसलिए 0.125 ही केवल नोट करेंगे और अंडरलाइन करेंगे। दशमलव के ठीक सामने 1 लिखेंगे, दशमलव के नीचे जितने अंक, तो 1, 2, 3 अंक है तो 3 0 हम नीचे लगा लेंगे। दशमलव अब हट जाएगा। अब देखते हैं, ऊपर 125 आ गया और नीचे 1000 हो गया। ये संख्याएं दोनों 25 से विभाजित हो जाती हैं, तो 25 × 5 = 125 और 25 × 100 बराबर 5/40। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं, तो 5 × 5 = 5, 5 × 8 = 40, तो 1/8 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं को आप भिन्न में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखिए, यानी इनका विस्तार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 4 में भी कई पार्ट हैं, तो हम पहला नंबर देखिए। पहले तो फर्स्ट पार्ट है 55.84 इसको विस्तृत रूप में लिखना है। तो दशमलव के ऊपर जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, नीचे की संख्याएं अंश में लिखा जाता है। ये दशांश है, ये सवांश है, इस तरीके से। तो इसको हम लिख सकते हैं विस्तृत रूप में, 5 ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तो 50 हो गया और प्लस 5 हो गया प्लस अब पॉइंट के नीचे, तो पहले ये दशांश है यानी 8 बटे
दस और प्लस चार बटे सौ। चाहे तो हम इनको कैंसिल कर दें लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, वो ऐसे ही लिख देंगे। तो ये संख्या का विस्तृत रूप है। इसी तरीके से अब इसका एक पार्ट और देख लीजिए, चौथे का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में 24.735, इसको विस्तृत रूप में लिखने के लिए पहले इकाई और दहाई यानी 20, दो दहाई का अंक है इसलिए 20 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस ये 7 दसवां है तो 7 बटे 10 हो गया, प्लस 3 बटे 100 हो गया और प्लस 5 बटे 1000 हो गया। जितना ही अंक नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं 01 बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका विस्तृत रूप हो गया। फिर 5 नंबर में लिखा है निम्न को समान दशमलव संख्याओं में बदलिए, क्वेश्चन नंबर फाइव में है निम्न को समान दशमलव संख्याओं में बदलिए। तो पहला पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट में है 4.21, 4.21 और दूसरा है 0.421, 0.421 और तीसरा है 421.1, 421.1। इनको समान दशमलव यानी दशमलव के नीचे सभी में समान अंक हो जाए इस तरीके से बदलना है। तो सबसे बड़े अंक कौन से, ये है ज्यादा, जिसमें दशमलव के नीचे सबसे अधिक अंक 3 है। तो पहली संख्या को लिखेंगे 4.210, इसमें भी 3 अंक हो गए। फिर दूसरी में भी 0.421, इसमें चूंकि ऑलरेडी 3 थे, और तीसरी वाली में 421.1, 2 और 3, दशमलव के नीचे सभी में 3 तक 3 अंक हो गए। इसी प्रकार से आपको दूसरा और तीसरा भी आप आसानी से कर सकते हैं। छठवां नंबर है निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। तो फर्स्ट पार्ट में है 25.264 25 के 5 के नीचे अंडरलाइन है आपकी किताब में, लेकिन 5 में नहीं होना चाहिए, 6 में होना चाहिए था आंसर के अनुसार। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के अनुसार आंसर देंगे तो आपका 5 हो जाएगा। ये अंडरलाइन वाले का स्थानीय मान केवल याद करना है। तो 5 का स्थानीय मान, चूंकि 5 इकाई के स्थान पर है तो 5×1=5 होगा। आंसर में आपको 6/10 मिल रहा है, तो 6/10 का मतलब है कि 6 में अंडरलाइन होता तो 6/100, तो 6/100 होने के लिए 6 के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में ये है इसलिए आंसर इसका ये मिलेगा। फिर है सेकंड नंबर में भी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने अंडरलाइन गलत ढंग से कर रखा है। 0.78 और 9, इसमें 8 में अंडरलाइन है, तो ये कौन सा है 8, ये दशांश है ये सवांश है, तो 8 को हम इसको लिख सकते हैं 8/100, 1 और 2 जीरो इसमें लगाएंगे नीचे तो 8/7 सही है 8 का मान। इसी प्रकार से आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो अंडरलाइन है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हो सकता है इनमें आंसर मैच ना कर रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 7, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में है आपके चौथी पार्ट,
किसी एक पार्ट को देखते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम। संख्याएं हमारे पास 0.8, 0.8, 0.57, 0.57, 0.71, 0.71, 0.36, 0.36। दशमलव संख्याओं में छोटी और बड़ी देखने के लिए, चूंकि आपको आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखना है और फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इनको जानने के लिए कि कौन, इनका कंपेरिजन करने के लिए कि कौन छोटी है कौन बड़ी है, तो पहले आप दशमलव के ऊपर वाले अंकों को देखते हैं। दशमलव के ऊपर वाले अंकों में सभी में जीरो जीरो है, समान है। तो अब हम दशमलव के नीचे वाले अंकों को देखना शुरू करेंगे। तो इसमें दशमलव आठ है, यानी ये संख्या बड़ी है अभी, पांच से, सात से भी बड़ी है और तीन से भी बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी है। दशमलव आठ सबसे बड़ी है, लेकिन हमको देखना है सबसे छोटी। छोटा अंक कौन सा है? इसमें पांच है, इसमें सात है, इसमें आठ है, इसमें तीन है, तो तीन सबसे छोटा हो गया, तो ये संख्या सबसे छोटी हो गई। तो पहले हम लिखेंगे 0.36 और इस तरीके का साइन लगा देंगे। इसके बाद फिर पांच, तीन के बाद पांच आता है, तो होगा 0.57 और फिर से ऐसा चिन्ह लगा देंगे। फिर है 0.71 और फिर ऐसा चिन्ह लगाएंगे, फिर लिख देंगे लास्ट में 0.8। ये आरोही क्रम है आपका, आरोही क्रम। तो इस प्रकार से आप, इसके दो पार्ट और हैं, इनको भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई। तो बच्चों इतना ही, आगे नेक्स्ट